हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस चैप्टर में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडस्ट्री जो है सबसे पहले कैसे आई, और उसमें सबसे पहले वो कौन सा कंट्री था जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, उसके पीछे फैक्टर क्या था। और उसको जानने के लिए हम लोग अच्छे से इसको टर्म वाइज ऑर्डर वाइज करने वाले एनसीईआरटी का फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी का इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Rakaba Education App. Download the app now. देखिए, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को जैसे ही पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इमेज दिया हुआ है, और उस इमेज में क्या डिस्क्राइब है। उस इमेज में एक सिंपल सा चीज डिस्क्राइब है कि एक इमेज में एक लेडी है, लेडी ने कुछ चीजों को अपने पास रखा हुआ है, और उसमें से व्हील है या इसके अलावा और जो मॉडर्न मेथड्स है, तो उसके थ्रू ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड को चेंज किया, या जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे उसके क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके बाद एक इमेज ऐसा भी है जिसमें कंपेयर किया गया है ओरिएंट कंट्री को, ऊपर वाला पार्ट जो ओरिएंट कंट्री है, और ओरिएंट कंट्री में क्या, ओरिएंट कंट्री का मतलब जो एशियन कंट्री है उनकी बात की गई। और एशिया वाले जो है वो स्टीरियोटाइप होते थे, वो पुराने विचारों को मानते थे, जिसमें अलादीन और उनकी चिराग की बात की गई कि अलादीन ने अपने चिराग से बोल करके एक बहुत बड़ा पैलेस बनवा लिया। जबकि यही अगर इसके सेकेंड फेज को दिखाया गया है तो उसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, आयरन और स्टील का प्रोडक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में क्या कर इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहा है। इसके लिए एफिल टावर की बात की गई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बात की गई है। कंपेयर करते हुए ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि कैसे जो यूरोपियन सोसाइटी थी या जो वेस्टर्न कल्चर्स था उसने कैसे साइंटिफिक चीजों पे ज्यादा फोकस किया, और हम लोग जो थे कैसे पुरानी चीज या स्टीरियोटाइप चीजों पे ज्यादा फोकस करते थे। तो इसी चीज को एक कंपेयर करके बता रहा है, ठीक है। एक पर्सन है जिनका नाम है इटीपॉर। एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि वो कौन से है जिन्होंने 1900 में अपना बुक पब्लिश किया, म्यूजिक पब्लिशर्स थे, नाम था इटी पॉल, और इन्होंने अपना बुक पब्लिश किया था। ए म्यूजिक बुक था, हैड अ पिक्चर ऑन द कवर पेज अनाउंसिंग द डॉन ऑफ सेंचुरी। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इटी पॉल ने कौन से बुक पब्लिश किया, तो डॉन ऑफ सेंचुरी किए थे। कब किए थे? 1900 में किए थे। थीम क्लियर था, थीम में क्या था, उसमें इंडस्ट्रियल गुड्स के इंपॉर्टेंस को दिखाया जा रहा था। और इंडस्ट्रियल गुड्स के इंपॉर्टेंस को कैसे दिखाया जा रहा था, तो डिफरेंट पिक्चर के थ्रू या इंडस्ट्रियल गुड्स में जैसे आयरन और स्टील के प्रोडक्ट हो गए उसके थ्रू, ठीक है। ओरिएंट कीवर्ड दिया हुआ है, मेडिटेरियन सी के ईस्ट में जो भी कंट्री लाइज करते थे हम उसकी भी बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इस्लामिक नेशन है, ईरान, इराक, ये वाला कंट्री है, इसके साथ साथ इंडिया, ये सारी कंट्रीज को ओरिएंट कंट्री माना जाता था, और इनको बोला जाता था कि ये सपेरियो का देश है, यानी कि पुरानी चीजों को ज्यादा प्रीफर करते हैं, ये साइंटिफिक चेंजेस नहीं चाहते हैं। द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन यूजुअली रिफर टू एशिया। एशिया में मेडिटेरियन सी के ईस्ट में जो भी कंट्री लाइज करते थे तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको ओरिएंट बोलते हैं, और यही अलादीन और चिराग वाला जो कॉन्सेप्ट है यही से लिया गया, ठीक है। द वन और बोला कि एक इमेज जो है, उस इमेज में क्या दिखा, द वन एट द बॉटम इज मॉडर्न, बोला कि मैकेनिक हु विद हिज मॉडर्न टूल्स वीव्स अ न्यू मैजिक बिल्ड्स ब्रिजेस शिप टावर्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स। देखिए, उस जो इमेज है उस इमेज में क्या दिखाया जा रहा है कि वो क्या बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, शिप्स बना रहे हैं, टावर्स बना रहे हैं, और हाई राइजिंग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये सारी साइंटिफिक चेंज को दिखा रहा है। अलादीन इज सोन एज द रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड द पास्ट, द मैकेनिक स्टैंड फॉर द वेस्ट एंड मॉडर्निटी। अलादीन जो अपने चिराग की मदद से एक बड़ा पैलेस बनवा रहे हैं, ये किस चीज को शो कर रहे हैं, ईस्ट को शो कर रहे हैं, ईस्ट का मतलब ओरिएंट कंट्री को शो कर रहे हैं, ठीक है। द मैकेनिक स्टैंड फॉर द वेस्ट एंड मॉडर्निटी, और जो मैकेनिक है यानी कि जिसमें मशीनरी गुड्स दिख रहे हैं आपको, वो वेस्ट और मॉडर्निटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अलादीन ओरिएंट वाला जो है वो स्टीरियोटाइप थिंक करते, साइंटिफिक चेंजेस नहीं करते थे, जबकि वेस्ट वाले जो साइंटिफिक चेंजेस करते थे, ठीक है। देयर वॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इंडस्ट्रीज की आगे के पॉइंट में हम लोग जिक्र करेंगे 1730 में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज नहीं कॉटन इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस हुआ, और अगर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो 1840 में हुआ।
तो बोल रहा है कि उस समय तक बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो इंडस्ट्रियल मार्केट में आ गए थे और इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट थे। दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन मतलब फैक्ट्रीज। मेनी मेनी स्टोरीज नाउ रिफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। बोल रहा है कि 1730 जो ईयर है, ठीक है, इस टाइम पीरियड को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला गया। अब इस चीज को समझ लीजिए आप कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं और स्टार्टिंग स्टेज का एक टाइम पीरियड होता है। इंडस्ट्रीज को जिस साल सेटअप किए हैं तो ऐसा नहीं कि अगले साल या उसी साल आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लीजिएगा, मार्केट पे कंट्रोल कर लीजिएगा, आपके पास रॉ मटेरियल ज्यादा अवेलेबल रहेगा, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी उसके बारे में लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसके टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है। तो 1730 में भले ही फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप हो गया था, लेकिन अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसकी प्रोडक्शन 1760 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जिसमें लोगों को वैल्यू पता चला कि इंडस्ट्रियल गुड्स के क्या वैल्यू होते हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट पे कंट्रोल, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, ये सारा करने में लगभग 30 साल का टाइम पीरियड लग गया। ठीक है, एक कॉटन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, यही आयरन की बात करेंगे तो 1840s में। ठीक है, सो इसी को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला गया है, मतलब इंडस्ट्रीज सेटअप होने का प्री पीरियड। इन द 17 एंड 18 सेंचुरी मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप बिगेन टू मूविंग इन द कंट्री सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। देखिए, जो मर्चेंट्स थे वो कहाँ मूव कर गए थे, मर्चेंट जो थे वो मूव कर गए थे कंट्री साइड में। ठीक है, मर्चेंट कहाँ मूव कर गए थे, कंट्री साइड में मूव कर गए थे। ठीक है, पूरा की टाउन इन यूरोप बिगेन मूविंग इन द कंट्री साइड सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिसंस परस्यूइंग देम टू प्रोड्यूस फॉर इंटरनेशनल मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मर्चेंट जो थे वो अर्बन रीजन में न सेटअप होकर के वो कंट्री साइड में मूव किए थे। इसके पीछे कुछ रीजन थे। अर्बन रीजन में ट्रेड गिल्ड्स होते थे और ट्रेड गिल्ड जो थे वो किसी नए मर्चेंट को अलाउ नहीं करते थे, आपकी शहर में रह करके टाउन में रह करके आप अपनी प्रोडक्ट को बेच पाइएगा या मार्केट में आप एक ऑथराइज्ड पोजीशन ले पाइएगा। तो इसलिए मर्चेंट जो थे वो मूव कर गए रूरल रीजन में, क्योंकि बहुत सारे मर्चेंट जो इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते थे स्पेशली टेक्सटाइल, तो उसका प्रोडक्शन का एक बड़ा यूनिट जो था वो रूरल साइड से होता था, इसलिए वो लोग रूरल साइड में मूव किए। ठीक है, जो नए मर्चेंट्स थे यूरोपियन सोसाइटी में। यहाँ पर बोल रहा है इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड बड़े की आर्टिसंस बिगन वर्किंग फॉर मर्चेंट। पुअर पीजेंट्स और आर्टिसंस जो है वो किन के लिए काम करते थे, वो मर्चेंट के लिए काम करते थे। मर्चेंट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिए क्योंकि उनको एक ऑक्यूपेशन मिल गया। ठीक है, और उनको जब ये ऑक्यूपेशन मिल गया तो उनके लिए बेनिफिशियल रहा, वहां पे जॉब इसका चीज थी और ऑक्यूपेशन मिला तो लोग ईगरली उस चीज को किए, उनको जॉब चाहिए था उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जाने कि मेडिटेरियन सी, जो मेडिटेरियन सी के ईस्ट में जो रीजन होता है उसको ओरिएंट बोलते हैं। ईटी पॉल ने एक बुक पब्लिश किया था जिसको डॉन ऑफ सेंचुरी बोलते हैं, ईयर था 1900। ठीक है, इसमें हम लोग कंपेयर किए दो चीज, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चीजों का और एक अलादीन की चिराग को। ओरिएंट वाले अलादीन की चिराग को प्रीफर करते थे और वेस्टर्न वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी को प्रीफर करते थे। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं लेकिन उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है 30 साल 25 साल बाद होता है, उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। ठीक है, इसके अलावा जो पीजेंट्स थे आर्टिसंस थे वो कंट्री साइड यानी विलेज रीजन में मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस 1 सेकंड बाद सही इधर देखिए, बोल रहे कि इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर बोल रहे कि श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट लिंक करता था कल्टीवेशन जो था, रॉ मटेरियल जब तक आपके पास आएगा नहीं तब तक आप फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना पाइएगा। तो जो कल्टीवेशन वाला पैटर्न था, कल्टीवेशन जो था टोटली किस चीज पर डिपेंड करता था, प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर डिपेंड करता था कि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। जो मर्चेंट्स होते थे तो उनको एडवांस पेमेंट करते थे ताकि उनको कम रेट में रॉ मटेरियल इजली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, स्टेपलर क्या होते थे, अ पर्सन हु स्टेपल्स और शॉर्ट वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। जो वूल को क्या करते थे, शॉर्ट करते थे, फाइबर किस तरह के फाइबर को आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग। तो स्टेपलर एक प्रोसेस होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, जैसे रॉ मटेरियल से धागे कैसे बनाएंगे, उसको वीव कैसे करेंगे, उसका
फुलर का मतलब अ पर्सन हु फुल्स दैट इज, पर्सन जो उस चीज को फुल करता अलग अलग जगह से, और गैदर्स मतलब क्लोथ बाय प्लीचिंग, और एक गैदर्स इकट्ठा करते थे। कार्डिंग बोला कि द प्रोसेस इन विच फाइबर सच एज कॉटन और वूल वर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग। कार्डिंग का मतलब होता है कि स्पिनिंग करने के लिए, बुनने के लिए उसको फाइनल प्रोडक्ट, उसको धागे के रूप में बनाना। तो एक क्या होता है, कंप्लीट चेन प्रोडक्शन होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें एक जगह पे सेटअप ना होकर के अलग अलग जगह पे इसके प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, बोला कि द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम किस चीज को शो कर रहा था, नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज को शो कर रहा था। इट वॉज कंट्रोल्ड बाई मर्चेंट एंड द गुड्स वेयर प्रोड्यूस बाई अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स नॉट इन फैक्ट्रीज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो अभी आपको बताया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो क्या होता था, अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग जगहों पे इसका प्रोडक्ट बनता था, और एक कहीं एक जगह फैक्ट्री में न बनकर के क्या होता था विद इन, बोला कि देयर फैमिली फार्म्स, फैमिली फार्म्स मतलब अलग अलग पीजेंट्स के खेतों में इसके प्रोडक्ट बनते थे। ठीक है, यहां पर बोल रहे हैं द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन। सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो स्टेब्लिश हुई, सबसे पहले कॉटन स्टेब्लिश हुआ, कॉटन इंडस्ट्री जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, और इसके लिए ईयर भी लिखे थे, ईयर क्या होगा 1730। ठीक है, प्रोडक्शन कब से कब स्टार्ट करेगा, अभी प्रीवियस पेज पे लिखे थे 1760। ठीक है, द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वॉज कॉटन, इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। इसका जो प्रोडक्शन है वो बूम हुआ, बूम मतलब अचानक बढ़ जाना, लेट 19th सेंचुरी, और आपको पता है लेट 19th सेंचुरी 1890s के आसपास वाले टाइम पीरियड को बोल सकते हैं। ठीक है, इन 1760 ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, एक बात माइंड में रखिएगा कि 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन को ये क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। ठीक है, बाय 1787 दिस इंपोर्ट सोल्ड टू 22 मिलियन पाउंड्स, लेकिन लगभग 30 इयर्स बाद कितना हो गया था, 22 मिलियन पाउंड्स हो गया। इसका एक मेन रीजन था कि इंडस्ट्रियल गुड्स पे लोगों का ट्रस्ट बना, क्योंकि प्राइस कम होता था, और इसके साथ साथ जब ट्रस्ट बना तो ये प्रोडक्शन ज्यादा करने लगे, प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए इनको रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और वो रॉ मटेरियल्स कौन फुलफिल करेगा, इंडिया और इसके जैसे जो कॉलोनियल नेशंस थे वो। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है कि ठीक है, इसको हम लोग कर चुके हैं। पूरा कि सीरीज ऑफ इन्वेंशंस इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्ट, पूरा कि प्रोडक्शन प्रोसेस। सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, बहुत सारा जो इन्वेंट हो रहा था चीज, और बहुत सारी चीजों के इन्वेंट होने से सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा था कि जो अलग इशू सबसे नहीं ये कह सकते बेनिफिशियल पॉइंट हो रहा था कि जो इंडस्ट्रीज थी उसके प्रोडक्शन मेथड फास्ट हो रहे थे। अगर कोई भी इंडस्ट्रीज मेकनाइज्ड होगी तो प्रोडक्शन फास्ट होगा ही, माइंड में इस कॉन्सेप्ट को लॉक करके चलेंगे। बोल रहा है कि कार्डिंग ट्विस्टिंग एंड स्पिनिंग एंड रोलिंग दे इनहेंस द आउटपुट पर वर्कर इनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शंस ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड एंड यार्न। बोल रहा है कि अभी जो था मेथड भी थे अलग हो गए थे जिससे स्ट्रॉन्गर थ्रेड और यार्न बन रहे थे, प्रोडक्शन भी फास्ट हो गया था और वर्कर्स भी हाईली स्किल्ड बन रहे थे क्योंकि बहुत सारे मॉडर्नाइज चीजें आ गई थी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में। ठीक है, दिस अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस को प्रॉपरली सुपरवाइज किया जाता था, उसको देखा जाता था,
और वाटर ओवर क्वालिटी एंड रेगुलेशन ऑफ लेबर, मतलब कि वॉच ओवर क्वालिटी एंड रेगुलेशन, उसको पूरी तरह से देखा जाता था, उसकी क्वालिटी को माइंड में रखा जाता था और साथ ही साथ लेबर को रेगुलेट किया जाता था। ऑल मतलब कि ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू, हर चीज को इस तरह की चीजों को करना थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन पूरी तरह से लोग जो थे मैकेनाइज्ड होकर के अलग अलग चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और जिसके थ्रू प्रोडक्शन मेथड जो था वो इम्प्रूव हो गया था। फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप, फैक्ट्री जो था वो इंग्लिश लैंडस्केप का एक इंटीमेट पार्ट हो गया था, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ही प्रोसेस था जिससे इंग्लैंड की इकोनॉमी काफी ज्यादा अपलिफ्ट हुई, काफी ज्यादा बढ़ी। सो विजिबल वेयर द इम्पोजिंग न्यू मिल्स सो मैजिकल सीम टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट वर्किंग कंटेम्प्रेरीज वेयर डेजर्ट, और जो नए मिल्स आ गए थे वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर दिए थे। इंग्लैंड जो इस मिल के आने के बाद उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ गई, उसके कॉलोनियल नेशन बढ़ गए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल बन गया था यूरोप का। ठीक है, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज जो है लॉन्ग आंसर में आता है, ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया। अब इसमें क्या है कि बोला कि द फर्स्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वेर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स, अगर हम पहली इंडस्ट्रीज की बात करेंगे ब्रिटेन में तो थी कॉटन और मेटल। ग्रोइंग एट ए रैपिड पेस कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉटन जो था वो लीडिंग फेज था किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कब तक, 1840s तक। लेकिन 1840s में क्या हुआ कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस हो गया। 1840s में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस हुआ, और एक बात माइंड में लॉक कर लेंगे, इसको हम लोग ज्योग्राफी वाले क्लास में पढ़े हैं, 1853 में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का एक इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिला, रेलवे, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में चली थी और टोटल डिस्टेंस जो था वो कितना था, 34 किलोमीटर। तो 1840s में इंग्लैंड में आया, जस्ट 10 से 15 साल बाद उन्होंने अपने कॉलोनियल नेशन में भी इसके एक्सपेंशन कर दिया। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर क्या बोल रहे हैं कि द सेकेंड, जैसे फर्स्ट क्या था, फर्स्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि 1840s में कॉटन इंडस्ट्रीज इंप्रूव हुई, उसके बाद अगर हम 1730s में कॉटन इंडस्ट्रीज आई और 1840s में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस हो गई। लेकिन इसके पीछे एक जो बड़ा ड्रॉबैक रहेगा वो है कि अभी तक सारी इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस होने के बाद भी एक बड़ा जो पार्ट था लेबर का वो हाईली स्किल्ड नहीं था इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में, इंडस्ट्रीज में मशीनों को ऑपरेट नहीं कर सकता था। एक रेशियो के अकॉर्डिंग मात्र 20% ही लेबर थे जो इंडस्ट्रीज में मशीनों को ऑपरेट कर सकते थे, यानी कि अभी भी 80% लेबर जो थे वो ट्रेडिशनल थे। तो इतना ज्यादा इतना जल्दी आप उन लेबर को या उन मेथड को जिसमें ऐसे प्रोडक्शन होते थे रिप्लेस नहीं कर सकते। द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, लाइन क्लियर है कि नई इंडस्ट्रीज जो पहले से चली आ रही ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रही थी। इवन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर, कितना परसेंट था, 20% था। और ये कब की बात कर रहा है, लेट 19th सेंचुरी की बात कर रहा है, इवन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 1890 तक की बात कर रहा है। ठीक है, बोला कि टेक्सटाइल वॉज ए डायनेमिक सेक्टर, टेक्सटाइल क्या था, गतिशील था, इसमें चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, थर्ड जो बोल रहा है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो है वो क्यों नहीं रिप्लेस कर पा रही थी, इसके पीछे है कि इस जो इंडस्ट्रीज थे इसके लिमिटेशंस थे, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की बात करते हैं या कॉटन की, लेकिन किसी भी घर में या ह्यूमन बींग की रिक्वायरमेंट बस आयरन स्टील इंडस्ट्रीज और कॉटन से नहीं होगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी नेसेसिटी रहती है, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें घर के डेकोरेशन के लिए यूज होने वाले पॉटरी, ग्लास वर्क, टेनिंग, फर्नीचर और ये सब का जो प्रोडक्शन होता था अभी भी स्मॉल स्केल में होता था, हैंडमेड चीजों पर डिपेंड रहते थे, तो इन सब की रिक्वायरमेंट ये नहीं फुलफिल कर पा रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु में बनने वाले जो हैंकरचीफ रुमाल होती थी वो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नहीं बनाती थी, तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को एक छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी फुलफिल कर रही थी, इसलिए इनको आसानी से डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता था। फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि दो चीजें थी उस टाइम, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने का मतलब कि काफी कम प्राइस में आपको लेबर मिल जाए। सेकेंड पॉइंट, अगर आप मशीन परचेस कर रहे हैं तो मशीन का कॉस्ट काफी ज्यादा होता था।
सेकेंड पॉइंट कि अगर मशीन को आप परचेज कर रहे हैं तो उसको मेंटेन करने में काफी ज्यादा अमाउंट लगता था, जबकि वर्कर्स के साथ ऐसा नहीं था, काम कराइए उसको घर भेज दीजिए। तो इस तरह से एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता था, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होता था, इसीलिए लोग मशीनों पे ज्यादा विश्वास न करके अभी भी ट्रेडिशनल मेथड पे बिलीव कर रहे थे। अब यहां पर बोल रहा है कि जेम्स वॉट जो है वो एक नई मशीन बनाएंगे, इंप्रूव कर देंगे किस चीज को, स्टीम इंजन को, और स्टीम इंजन को इंप्रूव कर देंगे तो इससे बहुत बड़ा चेंजेस नहीं होगा। जेम्स वॉट इंप्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय द न्यू कॉमन एंड वर्किंग पेटेंट द न्यू इंजन इन 1781। चेंजेस होगा लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, इसके पीछे मेन रीजन क्या रहेगा, हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू वॉल्टन मैन्युफैक्चर द न्यू मॉडल बट फॉर इयर्स ही कुड फाइंड नो बायर्स। बोला कि बनाने के बाद भी ये नए बायर्स को नहीं खरीद, मतलब हायर कर पाए, नई नए बायर्स को ये बेच नहीं पाए मशीन। अब डेटा दिया हुआ है, ठीक है, डेटा क्या दिया हुआ है इसमें हम लोग देखेंगे कि 321 हम स्टीम इंजन की बात करते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टीम इंजन 321 था, जिसमें से 80 स्टीम इंजन जो था वो कॉटन इंडस्ट्रीज में था, ठीक है, इसमें 9 स्टीम इंजन जो था वो उलेन इंडस्ट्रीज में था, इसके अलावा जो रिमेनिंग बच गया वो कैनाल्स, बिल्डिंग्स, डैम्स ये सब बनाने में था। तो इतनी ज्यादा अगर इम्प्रूवमेंट हो ही गई थी तो मात्र 321 ही स्टीम इंजन क्यों? दूसरी बात कि इन लोग को कोई नया बायर्स भी नहीं मिल रहे थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, लोग मशीनों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह के ट्रस्ट लोगों को करना चाहिए था, ठीक है, एक बड़ा इशूज ये उभर करके सामने आता है। लाइन काफी जरूरी हो जाता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग जानेंगे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैंड लेबर वर्सेस मशीन, बहुत सारे जो वर्कर्स होते थे उनको सीजनल आप हायर करते, जिस मंथ में काम रहता था उसी मंथ में आप उनसे काम कराइए और उसके बाद उनको घर भेज दीजिए। जैसे यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में वर्कर्स को विंटर के सीजन में ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती थी वर्कर्स की, ठीक है, वर्कर्स की विंटर के सीजन में क्यों ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती थी, क्योंकि विंटर के सीजन में एक तो शिप मेंटेनेंस के लिए आते थे वापस, उनको बनाया जाता था, बाइबल के लिए जो क्रिसमस था उसके लिए बाइबल का जो बुक था उसको प्रिंट किया जाता था, गैस वर्क और बेवरेज में बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहती थी, इसीलिए सीजनल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी। मशीन को आप परचेज करके हाई अमाउंट पे नहीं करना चाहते थे तो इसलिए लोग हैंड लेबर ही प्रेफर कर रहे थे, स्पेशली ब्रिटेन वाले इंडस्ट्रीज। इस पॉइंट पे हम लोग यही जान रहे हैं, ठीक है, पर इन मेनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि जो डिमांड था लेबर का वो सीजनल था, यानी कि सीजन वाइज सीजन लेबर चाहिए, उसके अलावा हमको लेबर नहीं चाहिए। गैस वर्क एंड ब्रेवरेज वेयर स्पेशली वर्किंग बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स। गैस वर्क या ब्रेवरेज की रिक्वायरमेंट कब होती थी? कोल्ड मंथ में, विंटर के टाइम में, बता चुके हैं आपको। सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड, क्योंकि इस समय डिमांड ज्यादा होती थी, वर्कर्स इनको ज्यादा चाहिए। बोला कि बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड टू नीड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर। क्रिसमस डिमांड के को फुलफिल करने के लिए नंबर ऑफ बाइबल्स की बुक इनको ज्यादा चाहिए, इसके लिए इनको एक्स्ट्रा हैंड चाहिए, यानी लेबर की रिक्वायरमेंट दिसंबर के मंथ में ज्यादा चाहिए यूरोप वाले को, तो दिसंबर मंथ में हायर करेंगे हम वर्कर्स को। एट द वाटर फ्रंट विंटर वॉज द टाइम बोला कि दैट शिप वेयर रिपेयर एंड बोला कि स्पर्स्ट आउट। विंटर के टाइम में क्या होता था, शिप की रिपेयरिंग के लिए आते थे स्पेशली यूरोपियन कंट्री में, तो विंटर टाइम में बाइबल भी चाहिए, विंटर टाइम में शिप रिपेयरिंग भी, विंटर टाइम में गैस और ब्रेवरीज वाला वर्क भी होता था। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद सीजन, इंडस्ट्रीज यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन। हैंड लेबर ही प्रेफर करते थे, क्यों? क्योंकि एक सीजन में वर्क करा करके फिर इनको आप आसानी से घर भेज सकते थे, इसीलिए जो इंडस्ट्रीज थे वो वर्कर्स जो थे उनको सीजनल हायर करते थे, ठीक है। बोला इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर इंस्टेंस 500 वैरायटीज ऑफ, अब याद देखिए
मशीनों की लिमिटेशन क्या थी। मशीन जो थे एक तरह के गुड्स बहुत सारे बना सकते थे, लेकिन उसकी लिमिटेशन थी कि वैरायटी ऑफ गुड्स मशीन नहीं बना सकते। एक लिमिटेशन कि मशीन जो है वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं बना सकते, मशीन एक ही तरह के बहुत सारे गुड्स बना सकते हैं। और उस समय ब्रिटेन में नियर अबाउट 500 अलग अलग तरह के हैमर्स की रिक्वायरमेंट रहती थी, या 45 काइंड्स की एक्स स्क्रू कुल्हाड़ी चाहिए थी, और कोई एक ऐसी मशीन, एक मशीन नहीं थी जो 500 तरह की अलग अलग हैमर्स बना दे या 45 टाइप्स की एक्सेस बना दे, कुल्हाड़ी बना दे। दिस रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल। इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती थी? इसके लिए आयरन स्मिथ की रिक्वायरमेंट होती थी, नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, क्योंकि कोई मशीन इतने वेराइटीज के गुड्स नहीं बना सकती थी। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस, द एरिस्टोक्रेट्स एंड बर्जेजेस प्रेफर्ड दिस थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। जो अपर क्लास थी, जिसको बर्गोजिस भी हम लोग बोलते हैं, वो एक फ्रेंच वर्ड है, इसका क्लियर सा मतलब अपर क्लास या रूलिंग क्लास। ये लोग हैंडमेड चीजों को ज्यादा प्रेफर करते थे, दे वर बेटर फिनिश्ड। इनका मानना था कि हैंडमेड चीजें जो है वो बेटर फिनिश होती थी, इंडिविजुअली प्रोड्यूस एंड केयरफुली डिजाइन। ये इंडिविजुअली प्रोड्यूस किया जाता है, इसको केयरफुली डिजाइन किया जाता है, प्रोड्यूसिंग मेथड इसका अच्छा होता है, टाइम ज्यादा लगता है, क्वालिटी भी अच्छी होती थी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया के वीवर्स जो होते थे हाईली स्किल्ड होते थे। पर कि मशीन मेड गुड्स वेयर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज। ये लोग जो ब्रिटेन में ही कंपनी थी, मैनचेस्टर में दुनिया की सबसे बड़ी कॉटन इंडस्ट्रीज, तो इन लोगों का मानना था कि जो मशीन मेड गुड्स होते हैं वो कॉलोनियल पीपल के लिए होते हैं, चीपर होते हैं, क्वालिटी के लिए नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते थे, इसीलिए वो मशीन मेड गुड्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो हैंडमेड चीजों को ज्यादा प्रीफर करते थे। एरिस्टोक्रेट अपर क्लास कहाँ के, ब्रिटेन वाले। द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ वर्कर एज न्यूज ऑफ द जॉब्स ट्रेवल एट द कंट्री साइड 100 ट्रैम टू द सिटीज। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मतलब वर्कर्स की कंडीशन खराब, क्योंकि वेजेस रहेगा कम। एक र्यूमर्स फैल जाएगी कंट्री साइड में कि अर्बन रीजन में इंडस्ट्रीज सेटअप हो गए हैं, तो आप आइए विजिट कीजिए और इंडस्ट्रीज में जॉब पाइए। इससे क्या होगा, इस र्यूमर्स के बाद बहुत सारे वर्कर्स जो है वो कहाँ आ जाएंगे, वो अर्बन रीजन में आ जाएंगे, और अर्बन रीजन में आने के बाद एक टफ सिचुएशन बन जाएगा हर किसी के लिए, सर्वाइव करना इतना ज्यादा आसान नहीं रहेगा। बोले सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मेनी इंडस्ट्रीज मीन प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट वर्क आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर, द पुअर वेयर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन। बोले कि सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मेनी इंडस्ट्रीज मीन प्रोलॉन्ग पीरियड, सीजनलिटी ऑफ जो वर्क था अलग अलग इंडस्ट्रीज का वो अलग अलग टाइम पीरियड में होता था, ठीक है। बिजी सीजन वॉज ओवर, द पुअर वेयर ऑन द स्ट्रीट अगेन। जब बिजी सीजन में काम उनका खत्म हो जाता तो फिर तो रोड पे आ जाते थे। अब इससे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें वन मार्क क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए स्पिनिंग जेनी किसने बनाया था? रिवाइज में जेम्स हरग्रीव्स, ठीक है। जेम्स हरग्रीव्स जो थे वो स्पिनिंग जेनी बनाए थे, कब बनाए थे, 1764 में बनाए थे। दिस मशीन स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस लेबर डिमांड। एक तो वर्कर्स को ऐसे जॉब सीकर्स थे, यानी जॉब उनको चाहिए था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, ऊपर से ऐसी डिवाइस आ जाएगी और इस डिवाइस को लोग स्टार्टिंग स्टेज में तोड़ देंगे, क्योंकि इन लोगों का मानना था, जो वर्कर क्लास लोग थे उनका मानना था कि ये डिवाइस जो है उनकी जॉब खा रहे हैं। एक तो हमारे पास ऐसी जॉब कम है और ऊपर से ये जो डिवाइस है वो हमारी जॉब खा रहे, तो ये बहुत बड़ा इशू था और स्टार्टिंग में तोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद इसको फिर से लाया जाता है, और इससे क्या हो गया था कि रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ने लगे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के। After the 1840s, building activity intensified in the cities, opening up greater opportunity of the employments. Roads were widened, new railway stations came up. देखिए opportunity job कैसे आ रहा था, तो उसमें बहुत सारे वर्क हो रहे थे, जैसे रोड को वाइड किया जा रहा था, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, रेलवे न्यू रेलवे स्टेशन फैक्ट्री उसके ट्रैक्स बन रहे थे, रेलवे लाइंस बन रहे थे, टनल्स बन रहे थे, डीप ड्रेनेज एंड बल्कि सीवर्स लेट रिवर्स एम्बैंकमेंट, रिवर्स का एम्बैंकमेंट हो रहा था, सीवर्स बन रहे थे, ड्रेनेज पैटर्न बन रहा था, तो अलग अलग तरह के ये सब वर्क होते थे जिसमें बहुत सारे लेबर की रिक्वायरमेंट रहती थी, ठीक है। पर कि अमेरिकन एंड पर्शियन मर्चेंट टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, अर्मेनियन, सॉरी अर्मेनियन एंड पर्शियन, नॉट इन अमेरिकन, अर्मेनियन एंड पर्शियन जो मर्चेंट्स टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, वो गुड्स लेते थे पंजाब, उसके बाद अफगानिस्तान ले जाते थे, ईस्टर्न पर्सिया एंड सेंट्रल एशिया।
यानी कि जो आपके एशिया वाले ट्रेडर्स हैं यही इंडिया से गुड्स ले जाते थे, ठीक है। बट एक चीज है, बोला कि द वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट सूरत एंड गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ। पुराने टाइम में इंडियन मर्चेंट जो थे वो तीन पोर्ट से ऑपरेट करते थे। तीन पोर्ट कौन कौन सा था? मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम जिसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, सूरत और इसके साथ साथ कोलकाता, ठीक है। तो हुगली इन बंगाल जिसको हम लोग कोलकाता की बात कर रहे हैं, एक इंडियन मर्चेंट्स क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कि बताएं कि इंडियन मर्चेंट कौन कौन से पोर्ट को ऑपरेट करते थे। तो मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, उसके बाद हुगली इन बंगाल और इसके अलावा सूरत इन गुजरात, ये तीन पोर्ट से ये लोग ट्रेड करते थे। सूरत और सूरत वाली अगर पोर्ट की बात करते हैं तो ये किससे ट्रेड करता था? ये आपको करता था सेंट्रल एशिया या जो अरेबियन कंट्रीज थे उनसे, और जो मसूलीपट्टनम या हुगली है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से ट्रेड करते थे, और ये टोटली कंट्रोल होते थे इंडियन मर्चेंट के द्वारा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि इसमें टोटल इंडियन मर्चेंट का कंट्रोल था। सूरत पोर्ट को खत्म करके ब्रिटिशर जो है वो मुंबई पोर्ट को डेवलप कर देंगे, मसूलीपट्टनम को खत्म करेंगे, चेन्नई पोर्ट को डेवलप करेंगे और इसके साथ साथ हुगली पोर्ट को खत्म करके कोलकाता पोर्ट डेवलप करेंगे, और जो नया पोर्ट उनके द्वारा सेटअप होगा वो टोटली ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग प्रोडक्शन कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स। बहुत सारे मर्चेंट जो थे पोर्ट के आसपास वो लोग क्या करते थे, लोन प्रोवाइड करते थे बस इंडियंस को नहीं ब्रिटिशर्स को भी, इतने ज्यादा उनके पास वेल्थ होता था। सूरत में ऐसे बहुत सारे मनी लैंडर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। पोर्ट टाउन्स टू द इनलैंड रीजन, और बहुत सारे लोग ऐसे चीजों में भी इन्वॉल्व थे कि प्रोडक्शन जहां से हो रहा है वहां से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके वो पोर्ट तक ले जाएंगे और वहां से वो क्या कर देंगे अलग अलग पार्ट में भेज देंगे। तो अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा था क्योंकि ट्रेड बहुत ज्यादा फ्लोराइज हो रहा था, ट्रेड के लिए प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते थे, ट्रांसपोर्टेशन में एक तरह से बड़े जो मर्चेंट्स थे, बड़े मर्चेंट्स और जो प्रोड्यूसर्स थे उनके बीच में वो कनेक्टिविटी का काम करते थे। इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की जॉब अवेलेबल हुआ करता था। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, बोले सूरत एंड हुगली डिकेड बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रो। सूरत को खत्म करके बताया बॉम्बे को डेवलप कर दिया, हुगली को खत्म करके कलकत्ता पोर्ट को, और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज। जो नए पोर्ट थे तीनों पोर्ट की, जो चेन्नई कलकत्ता को खत्म करके, हुगली को खत्म करके कलकत्ता को डेवलप किया गया, तो सूरत को खत्म करके बॉम्बे को, इसको कौन ऑपरेट करेंगे? इसको इंडियन मर्चेंट ना ऑपरेट करके यूरोपियन कंपनीज ऑपरेट करेगी। एंड वाज कैरीड इन यूरोपियन शिप्स व्हाइल मेनी ऑफ ओल्ड ट्रेडिंग हाउस कोलैप्स्ड। जो यूरोपियन कंपनी इसको ऑपरेट करने लगी तो जो पुराने ट्रेडिंग हाउस थे वो कोलैप्स हो गए, खत्म हो गए, बर्बाद। बिफोर एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक इन द 1716 एंड 1770s। बंगाल में पावर ले लिए ब्रिटिशर्स, कब ले लिए पावर भाई? तो 1765 में, जब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हार जाएंगे इंडियन रूलर्स सब। 1765 में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद होगा और इसके बाद टोटल नदर्न प्लेन्स में मोनोपोली राइट ले लेंगे। किस फील्ड में मोनोपोली राइट ले लेंगे? ट्रेड के व्यू से। तो इसके बाद, और इसके बाद 1770 के आसपास क्या होगा? एंग्लो मैसूर वॉर होगा। भले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स हार जाते हैं बट धीरे धीरे वो साउथ पे भी कंट्रोल कर लेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस वॉर के कारण, जो बंगाल और कर्नाटक वॉर हो रहा था इसके कारण उसको गुड्स की सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। लेकिन 1765 के बाद वो धीरे धीरे अलग अलग रीजन्स में मोनोपोली राइट लेते गया और उसके थ्रू वो कंट्रोल उस रीजन में कंट्रोल किया। फर्स्ट द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोक कनेक्टेड टू द क्लोथ ट्रेड एंड एस्टेब्लिशिंग अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर। वीवर पे डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? अलग अलग पर्सन को अपॉइंट कर देंगे और एक डायरेक्ट वीवर्स को कनेक्ट किए। वीवर जो जो भी प्रोड्यूसर्स होते थे उनको एडवांस पेमेंट दे देते थे, इसके बदले में उनको एक क्या करते थे, एक जगह पे सेंट्रलाइज कर देते थे कि प्रोडक्ट बनने के बाद आप मेरे को सेल कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको एडवांस दिया था इसके प्रोडक्शन के लिए। तो एक कुछ इश्यूज थे, बहुत बड़े इश्यूज थे जिससे लॉस हुआ इंडियन प्रोड्यूसर्स को और वीवर्स को
और प्रॉफिट किसको हुआ? प्रॉफिट ओनली ब्रिटिशर्स को हुआ। इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट्स कॉल्ड द गोमास्टर्स टू सुपरवाइज वीवर। गोमास्टर्स का मतलब क्या होते थे? पेड सर्वेंट होते थे, इनको सैलरी देते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ गुड्स। इस सप्लाई जो भी गुड्स होते थे, रॉ मटेरियल्स, उसको कलेक्ट करते थे, सप्लाई करते थे, मतलब जो भी अलग अलग रीजन्स में रॉ मटेरियल्स होते थे उसको सप्लाई करते थे किनको? ब्रिटिश मर्चेंट्स को। किससे कलेक्ट करके? तो इंडियन वीवर्स और प्रोड्यूसर से। एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स, और किस तरह के एक क्लोथ्स की क्वालिटी है इसको भी एग्जामिन करते थे, ठीक है। सेकेंड, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद द अदर बायर्स वन वे, बट दिस वाज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांसेस। वंस एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड, द वीवर्स गिवन लोन्स टू परचेस देयर रॉ मटेरियल्स फॉर देयर प्रोडक्शंस। वीवर्स जो थे वो अलग अलग तरह के लोन्स लेते थे, किससे? ब्रिटिशर से या उस तरह के जो मर्चेंट्स थे उनसे, प्रोडक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फॉर द न्यू गोमस्तास वेर आउटसाइडर्स विद नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विद विलेज। जो नए गोमस्तास थे इनका सोशल लिंक नहीं होता था विलेजर्स से, ये उनको प्रेशराइज करके चीजों को लेते थे, जबकि पुराने मर्चेंट जो थे उनसे अच्छा सोशल लिंक होता था। पहले इंडियन वीवर्स के पास, इंडियन प्रोड्यूसर्स के पास च्वाइस होती थी अपने गुड्स को हाई प्राइस में बेचने का, क्योंकि कंपटीशन का टाइम था। लेकिन मोनोपोली राइट लेने के बाद और वीवर्स या प्रोड्यूसर को एडवांस देने के बाद ब्रिटिशर्स ने एक चीज बैन कर दिया कि अगर आपको चीज बेचनी है तो बस मेरे को आप बेच सकते हो और किसी को नहीं। दे एक्टेड एरोगेंटली, मार्च्ड इनटू द विलेज विद सिपाही एंड बर्गी पियंस एंड पनिश्ड वीवर्स फॉर डिले इन सप्लाई। और सप्लाई में डिले हो जाता था तो इनके साथ सिपाही सिपाही जाते थे और वो वीवर्स को पनिश करते थे, ऑफन बीटिंग एंड फ्लॉगिंग देम। बीट किया जाता था उनको अलग अलग वे में, क्या किया जाता था? डिमोरलाइज किया जाता था, जो इनके बीच में एक तरह का वे बनते गया। इनके बीच में जो प्रोड्यूसर्स थे और ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में। इस वे वीवर अलॉन्ग विद द विलेज ट्रेडर्स वर्क रिवोल्टेड अपोजिंग द कंपनी एंड इट्स ऑफिसेस। ओवर टाइम मेनी वीवर्स बिगेन रिफ्यूजिंग लोन्स, क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप एंड टेकिंग टू एग्रीकल्चर लेबर। इतने ज्यादा परेशान हो गए वीवर्स कि इन्होंने अपना वर्कशॉप बंद कर दिया और एक तरह से किसी भी तरह की चीजों को प्रोड्यूस करने के बजाय एक एग्रीकल्चर लेबर बन गए, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। इन 1772 हेनरी बर्की पटलू अ कंपनी ऑफिसर हैड वेंचर्ड टू से दैट द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस। इनका मानना था कि इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता था, सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी। इनका क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया के रॉ मटेरियल्स काफी अच्छे होते थे, सेकंड पॉइंट इंडिया के वीवर्स हाईली स्किल्ड होते थे। इनका मानना था कि इंडिया जैसा अच्छा क्वालिटी का जो क्लोथ होते थे और पूरा वर्ल्ड में कोई नहीं प्रोड्यूस कर सकता था, तो अगर हम सबसे अच्छा क्लोथ प्रोड्यूस करें तो इसका मतलब हमारे क्लोथ की डिमांड क्या होगी? हाई रहेगी, और डिमांड कभी कम नहीं होगी। अगर ब्रिटेन से मान लीजिए इम्पोर्ट बंद भी हो जाएगा तो अमरीका इस चीज की डिमांड करने लगा था कि मेरे आप सिल्क से क्वालिटी अच्छी है तो फिर हमको सोचना नहीं पड़ेगा, हम कहीं भी उस चीज को क्या करेंगे, सेल कर सकते हैं। इन 1811 and 12 पीस गुड्स अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ द इंडिया एक्सपोर्ट। और 1811-12 में कितना था? 33% था एक्सपोर्ट, ठीक है। 1850 and 51 इट वॉज नो मोर देन 3%। इसके पीछे है कि ब्रिटिशर्स जो वहां के प्रोड्यूसर रहेंगे ब्रिटेन के, वो बोलेंगे कि इंडिया से आप गुड्स को इम्पोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटेन में डिक्लाइन हो गया था, क्यों? वहां के वीवर्स के प्रेशर में आने के बाद। कॉटन वीवर्स इन इंडिया जस्ट फेस टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम, देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स एंड द लोकल मार्केट श्रैंक। एक तो एक्सपोर्ट मार्केट इसका टोटली क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था, और लोकल मार्केट जो था डूब गया था। बींग गल्टेड विद द मैनचेस्टर इंपोर्ट, बोल रहा है कि मैनचेस्टर इंपोर्ट जो गुड्स थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनचेस्टर वाले रीजन से डेवलप होकर के आ रही थी, मशीन मेड होती थी, तो उनके प्राइस भी कम रहते थे क्योंकि वो हमको प्रेशराइज करके हमारे रॉ मटेरियल्स को काफी कम प्राइस में ले जाते थे। वो 5 CR का कॉटन ले जाते थे और एक डेटा के अकॉर्डिंग कितना, 55 CR का वो कॉटन इंडिया में सेल कर देते थे, ठीक है। ये CR है वाला, CR मतलब करोड़, वरकी एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन, वरकी शॉर्ट ऑफ वीवर्स इंडिया वेयर स्टेप
की ऑफ सप्लाई चेन फोर्स टू पाई रॉ कॉटन एट की एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस। रॉ कॉटन को एक लो प्राइस पे इनके गुड्स को परचेस किया जाता था, एक बहुत ही बड़ा इश्यूज था उस समय का। तो इस तरह से इंडियन वीवर्स को क्या किया जाता था, प्रेशराइज किया जाता था और उनको चॉइस नहीं मिलता था अपने गुड्स को सेल करने का, सारा प्रॉफिट ब्रिटिशर्स गेन कर रहे थे। नए जो पोर्ट थे उनको भी कंट्रोल ब्रिटिशर्स कर रहे थे, ये बहुत ही बड़े इश्यूज थे जिसको सॉल्व करना जरूरी था। इस तरह से इस चैप्टर का द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट वन हम लोग कवर किए हैं, पार्ट टू भी जल्द लेकर के आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बोर्ड एग्जाम आपका पास में है और अभी जो हम लोग का क्लास चलेगा इस चैप्टर को खत्म करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरी बात कि आप अगर अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो आपको हर बार बोला जाता है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आप हमारे साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कीजिए। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम रहा किसी भी सब्जेक्ट में, SST के लिए SST की पाठशाला है, इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो उसके लिए इग्नाइट वर्ल्ड से जो हमारा दूसरा चैनल है, या उसके अलावा इग्नाइट वर्ड्स का टेलीग्राम ग्रुप भी, आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा अपने बोर्ड के प्रिपरेशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है कि अगर आपको NCERT एग्जाम्पलर का प्रैक्टिस करना है, NCERT का सॉल्यूशन चाहिए या क्विज चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैप चाहिए, कुछ भी आपको अपने स्टडी से रिलेटेड चाहिए, तो वो हमारे प्ले स्टोर के ऐप आरकोटपा पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं क्वेश्चन आंसर PDF के थ्रू, NCERT एग्जाम्पलर, इन सारे चीजों से। तो इस तरह से हम लोग लगे हुए हैं 24/7 कि आपके लिए और आपके बेनिफिट के लिए हम लोग कितना अच्छा कर पाए। तो एक आपको हेल्प चाहिए कि आपसे एक हेल्प चाहिए कि आप हमारे साथ जुड़िए, और हेल्प बस कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, और जिस तरह से हम लोग पॉसिबल हो पाए हम लोग आपके जो आंसर रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और आपके प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं।